और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पोषण आहार के मामले पर कांग्रेस का विधानसभा घेराव। बता दें भोपाल से बड़ी खबर, पोषण आहार मामले पर कांग्रेस का विधानसभा घेराव। जयवर्धन सिंह पीसी शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल है। तो बता दें बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, पोषण आहार मामले पर कांग्रेस का विधानसभा घेराव। विधानसभा के सामने प्रदर्शन चल रहा है, हम देख सकते हैं कि तमाम विधायक जो है कांग्रेस के वो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, पीसी शर्मा, जीतू पटवारी समेत तमाम कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है और कहां तमाम नारों के साथ में यहां लिखे गए हैं, भूखे बच्चे करे पुकार, खाना खा गई सरकार, तमाम तरीके के पोस्टर बैनर के साथ ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन क्या, किन मसलों को लेकर आप लोग सामने? जैसा कि आपने खुद देखा कुछ दिन पहले जो पोषण आहार घोटाला सामने आया है, बहुत अफसोस की बात है कि मामू के राज में ऐसे घोटाले हो रहे हैं जहां जो कुपोषित बच्चों के लिए जो पोषण आहार था उसमें धांधली ऐसी हुई है जिसका आंकड़ा लगभग 100 करोड़ से ऊपर का है। वहीं प्रधानमंत्री स्वयं श्योपुर जिले में आ रहे 17 तारीख को, और सबसे अधिक कुपोषण अगर है तो श्योपुर जिले में है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं मानता हूँ कि ऐसे मुद्दे को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि अगर उनके राज में जो बेटियां कुपोषित हैं, जो पोषण आहार गर्भवती महिलाओं के लिए था उसमें इतना बड़ा अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो कहना कि बहुत गंभीर बात है। इसमें बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि इस पर निष्पक्ष जाँच की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो मंत्री इसमें शामिल हैं, उनके भी खुलासा इसमें किया जाए। हाँ, क्या इस पूरे मामले को आप हाउस के अंदर उठाने जा रहे हैं क्या? ये पहला कांड है ऐसा जो कुपोषित बच्चों का अनाज खा गए, पहला केस है ऐसा जो गर्भवती महिलाएं जिसको मामा रोज 20 साल से सजबाग दिखाता था, पता चला लॉकडाउन में उनने ही अपनी जेब भर ली। ये पहला केस है ऐसा विश्व में, व्यापम कांड हुआ था उससे बड़ा कलंकित है। जैसे कुपोषित बच्चों का खाना खाने वाले कितने भूखे लोग होंगे, बस इससे अंदाज लगा लो आप। ये प्रदर्शन हम जारी है, हम देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के विधायक इसमें मौजूद हैं और पोषण आहार घोटाले को लेके बच्चों के साथ में कांग्रेस विधायकों का ये प्रदर्शन विधानसभा के सामने चल रहा है। कैमरामैन हरि के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल। तो बता दें भोपाल से बड़ी खबर, जयवर्धन सिंह पीसी शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है। पोषण आहार का ये पूरा मामला सामने आया था, आपको याद होगा कि किस तरह से इसमें घोटाले के जो आरोप हैं वो कांग्रेस ने लगाए थे। पोषण आहार मामले पर कांग्रेस जो है वो विधानसभा घेराव करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तो निष्पक्ष जांच हो ये भी कहा गया था। और एक बार फिर से पोषण आहार के मामले में बच्चों को देख रहे हैं आप तस्वीरों में कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस ने उन्हें इकट्ठा किया, बैनर पोस्टर लेकर यहां पर धैर्यवर्धन भी पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस जो है वो बड़ा प्रदर्शन कर रही, निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल है। पोषण आहार मामला, कांग्रेस का विधानसभा घेराव किया जा रहा है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से बात करें पोषण आहार घोटाले का, ये पूरा मामला जिस तरह से लगातार सियासत इसमें छाई हुई थी, अभी किस तरह का प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए लगातार जो है ये प्रदर्शन जारी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कांग्रेस विधायक संजय यादव मौजूद हैं, अगर हम बात करें जीतू पटवारी, तमाम लोग मौजूद हैं। और कौन कौन से मुद्दे हैं पोषण आहार के अलावा? पोषण आहार के डैम घोटाले, पुल घोटाले, यूरिया घोटाले, घोटाले ही घोटाले, पूरे शिवराज सरकार में घोटाले हैं। हम सारे मुद्दे उठाएंगे, सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार में। आरिफ भाई, आरिफ भाई, एक बार फिर हम जानना चाहेंगे जो उषा ठाकुर जिस तरह के बयान दे रही है, किस तरह आप देखेंगे? मानसिक संतुलन खराब है और इस तरह की बातें कर रही है जो बेबाक तरीके से अनशन बक रही है, ये एक मंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने मंत्री की शपथ ली है, प्रदेश का दायित्व उनके ऊपर है। अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है तो हाउस के अंदर भी क्या आपत्ति उठनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से टारगेट करके आप कुछ भी बोलते जाए लगातार। बेतुकी बातों से ज्यादा है कि महंगाई पे चर्चा होना चाहिए हाउस। यहाँ पर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन यहाँ मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, ये कहना है आरिफ मसूद का। कई सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ही यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं, हम दिखा सकते हैं, हम लगातार ये पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस विधायक आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे मुद्दों की इसमें बात है, चाहे हम बात करें पोषण आहार का मुद्दा है, इसके अलावा अगर हम बात करें कारम डैम घोटाले का मुद्दा, इन सब मुद्दों को लेके
कांग्रेस विधायकों को हम देख सकते हैं कि ये पदयात्रा करते हुए आगे निकलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये ऐसे अलग अलग मुद्दों की चर्चा है जिसको लेकर आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए गए हैं, और यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि ये पैदल मार्च लगातार कांग्रेस विधायकों का यहाँ पर जारी है सदन के अंदर तक के, और यहाँ पर और कौन से मसले, क्योंकि कल बिल्ला बॉम्ब स्कूल वाला जो मामला था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। पीसी शर्मा जो है वो हमसे, सर एक तो बच्चों के पोषण आहार का मामला है, लेकिन जिस तरह से बिल्ला बॉम्ब स्कूल की घटना हुई है उस मामले में भी मैनेजमेंट के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला आज विधानसभा में उठाऊंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है, पूरी ताकत से उठाएंगे। ये स्कूल का जो मान्यता है वो खत्म होना चाहिए। ये पीसी शर्मा जी के स्कूल का मामला है, वो खुद कह रहे हैं कि वो इस मामले को उठाएंगे, और पीसी शर्मा जी की विधानसभा में ही ये बिल्ला बॉम्ब स्कूल होता है जहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ था। उन्होंने कहा है कि इस मामले में स्कूल की मान्यता जो है वो खत्म होनी चाहिए, ये कहते पीसी शर्मा नजर आए हैं। हम देख रहे हैं कि जो तमाम विधायक हैं यहाँ पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सारे मुद्दों को लेके यहाँ कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो होती जा रही है। जी बिल्कुल हाँ सर, लेकिन साथ में एक मुद्दा और उठ रहा है, वो ये है कि कमलनाथ जी जो हैं वो विधानसभा नहीं आ रहे हैं, अगर आप लोग विरोध। देखिए ऐसा है, कोई कमलनाथ जी ने तो भ्रष्टाचार किया नहीं है, भ्रष्टाचार किया है शिवराज सिंह की सरकार ने, तो कमलनाथ जी के आना या नहीं आने को वो इशू क्यों बना रहे? जो ने भ्रष्टाचार किया है शिवराज सिंह की सरकार ने, उसका वो सदन में जवाब दे। यहाँ पर जो है कमलनाथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये मुद्दा नहीं है कांग्रेस विधायकों का कहना है, मुद्दा ये है कि जिन तमाम मुद्दों को लेके सदन में चर्चा होनी चाहिए उनसे कमलनाथ का कोई वास्ता उस तरीके से नहीं है, सरकार का है और सरकार को इसे जवाब देना चाहिए। ये हम मूवमेंट देख सकते हैं, एक बार फिर दिखा दें, कांग्रेस विधायक जो हैं अब विधानसभा के अंदर की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 2 दर्जन कांग्रेस के विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हैं, जिनमें से कई सारे पूर्व मंत्री हैं, चाहे जीतू पटवारी की बात करें, जयवर्धन सिंह की बात करें, पीसी शर्मा की बात करें, और इनके अलावा सारे अन्य विधायकों को भी हम देख सकते हैं कि लगातार वो पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं। लेकिन अलग अलग विधायकों से जैसे हमने बात की तो अलग अलग मुद्दे आज कांग्रेस यहाँ पर उठाने की तैयारी में है, यानी कि आज विधानसभा की कार्यवाही में जबरदस्त हंगामा हो सकता है। बिल्कुल जबरदस्त हंगामा दिख रहे हैं और आसार भी दिख रहे हैं, चाहे वो टेंडर घोटाला का मामला हो और या फिर डंपर घोटाले का मामला, इससे तमाम जो आरोप है वो लगातार कांग्रेस लगा रही। सवाल यही कि इस तरह से प्रदर्शन करने के बाद, जिस तरह से दूसरे घोटाले हुए थे, पोषण आहार का मामला सामने आया था, जिलों की कई जिलों की जो रिपोर्ट है वो भी अभी आनी बाकी है, तो ऐसे में इस तरह से प्रदर्शन करने से क्या इन्हें लग रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे? देखिए यही एक सवाल उठता है और इसी संदर्भ में हम अन्य विधायकों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रदर्शन से इस मामले में सरकार पर असर पड़ेगा कि नहीं, या फिर परिस्थितियां बदलेंगी कि नहीं, ये ज़रूर हम जानने की यहां पर कोशिश करेंगे जो विधायक मौजूद हैं। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बड़े मामलों की बात करें, चाहे कारम डैम घोटाला हो, टेंडर स्कैम हो, पोषण आहार का मामला हो, पेंशन का मामला हो, इन तमाम मामलों में, या फिर कल जो बच्ची के साथ घटना हुई, इन तमाम मामलों को लेके कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी वो कर रही है, और साथ में हम देखें तो कुछ बच्चों को भी इस प्रदर्शन में शामिल किया गया है, जिनके हाथों में छोटी छोटी जो है कहीं ना कहीं स्लोगन वाली पट्टियां दी गई हैं। पीसी शर्मा जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है कि आप लोग प्रदर्शन करके कोशिश कर रहे हैं सरकार को चेताने की, जगाने की, कोई असर सरकार पे होने वाला है? नहीं, ये कुल मिला के बाहर जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारी मांग है कि विधानसभा में इस इशू पे चर्चा होना चाहिए। पोषण आहार, जो बच्चों का पोषण आहार जो सरकार खा गई है, उसका जवाब विधानसभा के अंदर आना चाहिए। शिवपुर जहाँ प्रधानमंत्री जी को लेके आ रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण है बच्चों के अंदर, ये कुपोषण फैल रहा है, पोषण आहार खा रहे हैं, इन सब की जाँच होना चाहिए, और सी ए जी ने रिपोर्ट दी है, इन सब मामलों को हम विधानसभा में उठाएं। शिवपुर में भी प्रदर्शन करने की बात करें? निश्चित तौर पर शिवपुर में भी प्रदर्शन होगा। सर एक और बड़ी बात यह कि आज ही जो है वो अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है, तो एक संभावना ये जताई जा रही है कि कल तक के सत्र जो है बहुत छोटी अवधि का होने वाला है और शायद कल ही इसको एडजॉर्न किया जाए, एक संभावना। देखिए कल और आज में हम जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बच्चों से संबंधित है, कानून व्यवस्था संबंधित है, दुष्कर्म से संबंधित है, और डैम का लीकेज का मामला है, इन सब मामलों में हम लोग पूरी ताकत से उठाएंगे।
ताकत से जो है वो सारे मामलों को उठाया जाएगा, ताकत से पूरे मामले उठाएंगे। अनुराग, हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि प्रतीकात्मक हमने देखा है कि कोई भी घोटाला होता है तो इस तरह से प्रतीकात्मक चीजों का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, लेकिन बच्चों को इस तरह से ले जाना, सड़क पर घुमाना, उनको स्कूल जाने से स्कूल जाना चाहिए इस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस तरह से इस प्रदर्शन में वो शामिल कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए यही बात है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चे हैं उनसे कि ये कहाँ से आए हैं और इनका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, अर्जुन, करवाई गई है, पुरानी चप्पल है, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग इसके साथ में? ये जो लेके चल रहे हैं, क्या बच्चों को जानकारी नहीं है, क्या कोई इन्हें लालच दिया गया? अनुराग, ये भी पूछिएगा, क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप लोग, और आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, बोलो सर, क्यों इनको जानकारी नहीं है क्या? नहीं, जानकारी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, ये सब चीजें समझते नहीं है, और उनका कुल मिला के प्रतीक है कि ये बच्चे आदिवासी है और ये भीख मांगते हैं अलग अलग मंदिरों पे, उनमें से हैं, और इनको पोषण आहार मिल नहीं रहा है, ये प्रतीक के रूप में यहाँ पर हैं जो हुए, और ये इतने अबोध अनजान बच्चे हैं कि ये एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मामा खाना दो। यहाँ पर जो हैं इस पूरे संदर्भ में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बच्चों को जानकारी नहीं है कि वो प्रदर्शन करने ही क्यों आए हैं, लेकिन इनको ले जाया गया, और अब कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देते पीसी शर्मा नजर आए हैं, लेकिन आगे की हलचल जरूर देखनी होगी, क्योंकि अब विधानसभा में क्या इस तरह से प्रवेश लेने दिया जाता है इन विधायकों को, जिस तरह से बच्चों को लेके पहुंचे हैं वो तस्वीरें हम दिखाने की यहाँ कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्य द्वार पर विधानसभा के जो है तमाम विधायक दल जो है प्रदर्शन करते हुए पहुँचा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी ज़रूर तैनात किए गए हैं, लेकिन जो विधायक यहाँ पहुँचे हैं उनको क्या रिएक्शन मिलता है विधानसभा के मुख्य द्वार पे, ये ज़रूर महत्वपूर्ण होगा देखने के लिए। हालांकि यहाँ बंद कर दिया गया है, हम सामने आपको दिखा दें तो ये गेट को बंद किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे इन विधायकों को फिर से रोक दिया गया है, और काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सामने ये प्रदर्शन हम देख सकते हैं कि लगातार जारी है जो नज़र आ रहा है। हमने पहले ये कहा था कि इस तरह के प्रदर्शन को शायद विधानसभा के अंदर अनुमति नहीं मिलेगी, और यही कारण है कि प्रवेश क्रमांक द्वार क्रमांक दो पे ये तमाम लोग जो हैं मुख्य द्वार पे उन पहले ही रोक दिया गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, चाहे वो खुद विधायक ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर ये जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये आरोप था कांग्रेस का कि पोषण आहार के मामले में घोटाला हुआ है, और उसको लेकर लगातार जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन जो है वो बच्चों को लेकर किया जा रहा है। अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, रोका गया है प्रदर्शन पर, और कल भी हमने देखा था लहसुन लेकर उन तब जा रहे थे, तब भी उन्हें अंदर जाने प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए कल भी यही स्थिति बनी थी, आज भी यही स्थिति बनी है। ये द्वार क्रमांक एक है जहां पर इन तमाम विधायकों को रोका गया है, और ये हम देख सकते हैं सामने, ये सारे विधायक, चाहे वो जयवर्धन सिंह हो, चाहे जीतू पटवारी हो, पीसी शर्मा हो, या संजय यादव हो, या उनके अलावा जो सारे विधायक हैं वो इस समय बाहर खड़े हुए हैं, और उनके हाथों में कहीं ना कहीं पोस्टर बैनर्स हैं जिनको वो यहाँ दिखाने की दिखा रहे हैं। हालांकि इनको की बात अभी पुलिस से चल रही है, प्रवेश को लेकर कहीं ना कहीं ये साथ में अड़े हुए हैं कि इन तमाम प्रदर्शन के जो पोस्टर्स हैं इनके साथ इनको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन फिलहाल अंदर जाने नहीं दिया गया है, और ये हंगामा यहाँ पर जारी है लगातार। जो मांगे कांग्रेस विधायकों की चल रही है उसको लेके हम देख सकते हैं क्या चर्चा हो रही है, ये भी हम आपको सुनवाने की कोशिश यहाँ करते हैं। तो INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से विधानसभा के बाहर कांग्रेस क्या बड़ा प्रदर्शन जो है वो करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय विधायक भी इसमें शामिल है, और आरोप यह है कि व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, ई टेंडर घोटाले के बाद अब पोषण आहार परिवहन घोटाला सामने आया है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ लगातार बने हुए बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है।
तो बिल्कुल अभी तक आपने देख तस्वीरों में देखा मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, दूसरा दिन है और अभी तक आपने देखा कि किस तरह से अंदर जो तस्वीरें होती थी हंगामा होता था, लेकिन अब ये बाहर की तस्वीरें जब कांग्रेस हंगामा कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से सामने आई जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वक्तव्य देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वक्तव्य देंगे, पोषण आहार मामले में अपना वक्तव्य देंगे, प्रश्नकाल के बाद अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बता दें बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, लगातार मांग की जा रही है कार्रवाई की, और ऐसे में अब ये बड़ी खबर भोपाल से अपडेट आपको बता दें जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पोषण आहार मामले में अपना वक्तव्य देंगे। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, बड़ा प्रदर्शन और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य देने जा रहे हैं पोषण आहार के मामले को लेकर। अनुराग आप सुन पा रहे हैं? देखिए पोषण आहार के मामले में एक तरफ यहाँ मेरे पीछे जो है, जी बिल्कुल, पोषण आहार के मामले में एक तरफ मेरे पीछे कहीं ना कहीं प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो वक्तव्य देंगे। इस पूरे मामले पे मुख्यमंत्री ने जो है वो ये बात खुद अपनी तरफ से जारी की है कि वो विधानसभा में पोषण आहार के मामले में जवाब देंगे, वक्तव्य देंगे। पूरे मामले को लेकर किस तरह की स्थितियाँ हैं, किस तरह की जाँच हुई है और आगे सरकार किस तरह जाँच के लिए बढ़ने वाली है, तमाम जानकारियाँ आज मुख्यमंत्री की तरफ से आएंगी। और हो सकता है मुख्यमंत्री के निशाने पर कांग्रेस सरकार भी आए, क्योंकि पोषण आहार का जो ड्यूरेशन है उसमें भाजपा बार बार कह रही है कि उसकी शुरुआत 2018 से हुई, यानी कि कमलनाथ सरकार के समय से हुई। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के वक्तव्य में कौन सी महत्वपूर्ण बातें आने वाली है और क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई भी मुख्यमंत्री की तरफ से सदन में घोषणा की जाती है। बिल्कुल, सदन में क्या घोषणा की जाती है और क्या कार्रवाई होती है ये भी बात सामने आई थी, लेकिन ये भी कहा गया था कि एक कंप्यूटराइज्ड जो सिस्टम है वो बना लिया जाए कि आगे जाकर इस तरह के जो घोटाले हैं वो ना हो पाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है आज इसमें सत्र में। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर इसमें जो है पोषण आहार घोटाले मामले में मुझे लगता है कि एक बड़ी जांच समिति की घोषणा मुख्यमंत्री आज कर सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, और जांच किन बिंदुओं पे होगी मुख्यमंत्री इसका भी ब्यौरा अपने वक्तव्य में देंगे। और तीसरी बात, मुख्यमंत्री ये भी जानकारी में लाने की कोशिश करेंगे, सदन के रिकॉर्ड में लाने की कोशिश करेंगे कि घोटाले की शुरुआत कांग्रेस सरकार के दौरान हुई। और इस मसले पर अगर कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री का वक्तव्य होगा तब देखेंगे कि चर्चा किस तरह से होती है या फिर हंगामा होता है, क्योंकि बाहर ये लगातार हंगामा जारी है तो एक संभावना अंदर भी हंगामे की इसके साथ में बनते नजर आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल कांग्रेस विधायकों को अंदर जाने दिया गया है, यानी कि अब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और उसके बाद देखने वाली स्थिति। तो बिल्कुल सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। पोषण आहार का घोटाला के यहाँ का पूरा मामला आपको बता दें, करोड़ों का इसमें घोटाले का जो आरोप है वो कांग्रेस ने लगाया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और मुख्यमंत्री क्या कुछ अपने वक्तव्य में कहते हैं। नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।